तो हाय दोस्तों, अभी हम लोग दिल्ली से मनाली जा रहे हैं और अभी हम लोग इस बीच में किसी एक ढाबे पर रुके हुए हैं और ये पंजाब का दृश्य है। अभी हम लोग पंजाब में हैं, रात को तकरीबन 11:30 बज रही है एंड अभी यहाँ पे सब डिनर करने रुके हुए हैं हम लोग। सो मैं आप लोगों को ये नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के ढाबे का। ये देखिए रूम्स रेस्टोरेंट्स, सुखान स्टार ढाबा। ये सुखान स्टार ढाबा है, ये मेरी साली है और ये मेरी वाइफ है। हम तीनों हम लोग जा रहे हैं मनाली टूर पे, मनाली ट्रिप पे। अभी सुना है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन उसके बाद भी खतरों के खिलाड़ी खतरे लेकर निकल रहे हैं हम लोग। देखिए मेरी वाइफ आप लोगों को सबको हाई कर रही है। हाय गाइस। सो हाय फ्रेंड, अभी हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं। मनाली के बाहर हम लोग नीचे में कहीं हैं और बस रोका हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कितना सुबह का ये 5:30 बजे का नज़ारा है और ये पहाड़ों के बीच में बादल देखिए चल रहा है। कितना मस्त मौसम लग रहा है मनाली का ये। और ये देखिए फुल वेव में ये नदी बह रही है यहाँ पे। वाह, यही तो प्राकृतिक सौंदर्य देखने हम लोग दिल्ली गुड़गांव से आते हैं मनाली। वाह क्या सुंदर है, ये देखिए। ये अभी आप लोग जो देख रहे हैं जो बसों की लाइन लगी हुई, एक्चुअली में लैंडस्लाइड जो हुआ था कुल्लू मनाली में बाढ़ के कारण, तो बहुत सारे रास्ते टूट गए हैं। इस चक्कर में यहाँ पे बहुत सारी बसें खड़ी हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये बहुत शानदार व्यू है मनाली का। माउंटेन्स के बीच में बादल घूम रहे हैं और देखिए इवन आप अगर देखिएगा तो पानी के ऊपर भी बादल हैं। वाह देखिए देखिए दोस्तों। सो हाय फ्रेंड, अभी हम लोग अभी बस में हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली। सो बहुत अच्छा व्यूज है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए सी द व्यू ऑफ नेचर, व्हाट अ लवली व्यू। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग डैम के पास में हैं कुल्लू में और ये पहाड़ों के पीछे भी देखो बादल कितना अच्छा गुजर रहा है, पानी बह रही है। वो क्या मस्त नज़ारा है, वाह लग रहा है एक पीस। सो हाय दोस्तों, अभी हम लोग कुल्लू पहुंच चुके हैं और हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पता ही हुआ कि मौसम ख़राब है कुल्लू का, कुल्लू मनाली का। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और बाढ़ भी आ गई है, तो थोड़ा लेट से पहुँचे और जब होटल में आप जाते हैं तब फिर आप लोगों को दिखाऊँगा वहाँ का। तब तक आप लोगों को मैं बैकग्राउंड नज़ारा दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड आप लोग देखिए चारों साइड जंगल, घर, पहाड़ और हम लोग आगे अपने रास्ते पे बढ़ते हुए अपने होटल की तरफ। ये आपका ब्रिज, द ब्यूटी ऑफ नेचर। सो फ्रेंड आप लोग देखिए ये एप्पल का गार्डन है प्रॉपर, देखिए यहाँ पे एप्पल फरा हुआ है ट्रीज पे और हम लोग एप्पल के गार्डन के बीचों बीच पार हो रहे हैं।
इतने सारे एप्पल्स मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, पेड़ भी लटके हुए। वही ना, लग जैसा है पीछे, लग जैसे थे इस साइड को देखो, लग जैसा है। ये देखिए प्रॉपर, यहाँ सामने से एप्पल की ट्री, और यहाँ पे प्रॉपर ये एप्पल का बाग के बीच से ही हम लोग चल रहे हैं। सो देव फ्रेंड, देखिए ये कितना मस्त रोड है हिमाचल प्रदेश का, मनाली का, और हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और ये बगल में देखिए कितना मस्त पहाड़ है। अभी तो हम लोग बारिश के मौसम में आए हुए हैं, ठंड के मौसम में पूरा ये पहाड़ बर्फ से ढक जाता है। रियली में इसलिए बोला जाता है, मतलब मनाली को क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन की रानी। बहुत खूबसूरत है। सो हाय फ्रेंड, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना ट्रैवलिंग मनाली का। पहला हम लोग जा रहे हैं, फर्स्ट हम लोग हिडिम्बा देवी टेम्पल में, और वहां जाके आपको नज़ारा दिखाएंगे। उसके पहले आपको कुछ और नज़ारे दिखाते हैं हम लोग। ये मार्केट एरिया है, ये मॉल रोड, देखिए यही है मनाली का फेमस मॉल रोड, जिसकी चर्चा हर जगह रहती है और बहुत यूट्यूब में इसका वीडियो भी आता है। और ये हम लोग इस रास्ते के थ्रू हम लोग जा रहे हैं हिडिम्बा देवी टेम्पल, और देखिए प्रकृति का सौंदर्य देखते हुए चलिए आप लोग भी। और बहुत सारे देखिए फॉरेनर्स भी हैं, फॉरेनर्स भी आए हुए हैं घूमने। ये सारा मॉल रोड ही है ना, ये सारा मॉल रोड ही है। हाँ वहाँ से स्टार्ट था ये, एंड मतलब ये एंड पार्ट है। तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ऑफिस है, एंड ये यहाँ पे अच्छे अच्छे लॉजेज हैं, बार एंड रेस्टोरेंट, स्पा सब कुछ है इसके अंडर। ये यहाँ का बहुत वीआईपी एरिया है। तो जब हम अब हम हिडिम्बा देवी टेम्पल पहुँचते हैं तो फिर आपको फिर अगेन ये करेंगे। ये यहाँ का वन है, फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट एरिया है, और ये फॉरेनर्स हैं ये घूम रहे हैं यहाँ पे, ये सारे फॉरेनर्स ही हैं। सो जितना क्रेज हमें रहता है मनाली का, उतना ही क्रेज फॉरेनर्स को भी रहता है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट लोकेशन है इंडिया के लिए। सो हाय फ्रेंड, अभी हम लोग हैं मनाली के हिडिम्बा देवी टेम्पल में। सो आप लोग अभी देख सकते हो कि ये हिडिम्बा देवी टेम्पल है, और ये बीचों बीच जंगल में है। एंड अगर दिखाऊं तो ये सामने में आप जो देख रहे हो नेचर वैली पार्क है, और उस तरफ आपका घटोटकच का मंदिर है। सो आप देख सकते हो उसकी खूबसूरती, कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। सो दोस्तों, अभी हम लोग हिडिम्बा देवी टेम्पल से प्रस्थान कर रहे हैं, और ये आखिरी फोटो हिडिम्बा देवी टेम्पल का। सो यहाँ का ये जंगल है, मतलब जंगल क्या, ये पार्क है, वह यहाँ का नेचर वैली पार्क इसको कहते हैं। और यहाँ पे आज हम लोग घूमने आए हैं, देखिए ऊपर में रिफ्रेशमेंट है, यहाँ बच्चों की खेलने के लिए हैं, एंड यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और बड़ी बड़ी पेड़े एज यूजुअल। और एक देखिए एक पगली है जो यहाँ पे ये से बात कर रही है। तो फ्रेंड, ये अभी मनाली का लोकल डिश है, इसको सिद्धू बोलते हैं। सो अभी हम लोग सिद्धू टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट में तो ठीक ही ठाक लग रहा है। तो फ्रेंड, ये हम लोग क्लब हाउस में हैं, ये आपका मनाली का क्लब हाउस है,
जहाँ पे अभी हम लोग घूमने आए हुए हैं, और मैं आपको एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। और ये देखिए कितने फुल स्पीड में यहाँ से पानी बह रही है, और पीछे जंगल। और ये नदी के ऊपर देखिए दुकान, बिल्कुल ये लग रहा है कि कोई मतलब वियतनाम के जो सिटी जो होते हैं ना, या फिर नेपाल के सिटी, उनका दृश्य दिख रहा ही है। और ये देखिए पहाड़। अभी हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग किया क्लब हाउस में, अब शॉपिंग करके हम लोग वापस जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये नदी के सामने हम लोग खड़े हैं, और पानी पीछे बह रहा है। देखिए यहाँ से मेरा एक पैर भी नीचे गिरा तो मैं डायरेक्ट नीचे जाऊँगा, और कहाँ मैं बहूँगा उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। ये देखिए नदी के बहाव के ठीक ऊपर। सो हाय फ्रेंड, ये हम लोग आए हैं यहाँ पे तिब्बतीन मोनेस्ट्री में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का हम लोग पूजा करने आए थे, और हमने पूजा कर लिया। सो बेसिकली यही ये इसका पार्क है, और ये भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर है, और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो बेसिकली इट्स अ ब्यूटीफुल मॉन्स्ट्री, और अब आगे क्या बोलूँ, तो पूरा मनाली ही ब्यूटीफुल है। सो दिस ऑल अबाउट दिस। सो दोस्तों, ये मॉल रोड है मनाली का, अभी हम लोग मॉल रोड पे हैं, और इसका रौनक देख सकते हैं। मॉल रोड का कितना सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और यहाँ पे अभी कुछ देर तक हम लोग घूमेंगे, फिर आज का फर्स्ट डे का ट्रिप ख़त्म करेंगे आज हम लोग। तो फ्रेंड, मैं आपको सेव सामने से दिखाता हूँ। देखिए ये सेव का पेड़ है, और इस सेव के पेड़ के सामने देखिए सेव लगा हुआ है। देखिए बहुत सारे देखिए सेव लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे सेव हैं। देखिए और अगर आप देखिएगा तो प्रायः आपको जितने भी यहाँ पेड़ दिखाई देंगे, थोड़ा अगर मैं जूम करूँ तो सब सेव के ही पेड़ हैं यहाँ पे। यहाँ हर घर में सेव का बागीचा है, हर जगह सेव लगा हुआ है।